नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएसए उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनको इतिहास जननायक के नाम से जानता है, जिनको इतिहास सोशल जस्टिस के नाम से जानता है, जिनको इतिहास जानता है बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू करने के नाम पे, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। आप सबको बता दे चले, कर्पूरी ठाकुर आखिर हमारे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में यह सवाल है तो जरूरी है आपको करंट अफेयर्स अच्छा करने की। जी हाँ दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को मिला है भारत रत्न अवार्ड इस साल। बिल्कुल सही सुना आपने, इनके 100वें जन्मदिन दिवस पर इनको मिलता है भारत रत्न का अवार्ड। और जब भी कुछ इस प्रकार के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को कुछ अवार्ड अगर मिलता है तो वह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो चलिए दोस्त, करते हैं अब हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा, जिनको कहा जाता है जननायक, 100वें बर्थ एनिवर्सरी में इनको मिलता है भारत रत्न का अवार्ड। 24 जनवरी 1924 को जन्मे समस्तीपुर जिले, जो कि उस समय का दरभंगा जिला था, वर्तमान में समस्तीपुर जिला, और इनको मिला है भारत रत्न का अवार्ड। बिहार में दो बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे, तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। 1970-71 में पहली बार और 77-89 में दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जयप्रकाश नारायण के साथ, राम मनोहर लोहिया के साथ यह भी जेल गए थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समाजवादी के झंडे को बुलंद किया। इनका जन्म मैंने आपको बता ही दिया, पिजोजिया गांव जो कि समस्तीपुर में पड़ता है, एक नाई परिवार में हुआ था। इनसे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस कहानी है, जिस कहानी में कहा जाता है कि एक बार की बात है, यह 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। उस दौरान 10वीं क्लास पास करना बहुत बड़ी बात होती थी, पूरे गांव से या पूरे प्रखंड से एक या दो बच्चे 10वीं पास करते हैं। तो वह 10वीं पास फर्स्ट डिवीजन से करते हैं और पिताजी के साथ खुश होते हैं। पिताजी जो कि नाई थे, वह गांव के जमींदार के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा बेटा 10वीं पास फर्स्ट डिवीजन से किया है। वो इस लक्ष्य में जाते हैं कि भाई ये कुछ उनको प्रमोट करे, आगे की शिक्षा में कुछ मदद करे। और उस जमींदार से एक आवाज आती है, बहुत अच्छी बात है 10वीं में फर्स्ट डिवीजन किया, वो सब तो बात ठीक है, लेकिन आओ गोर जातो। गोर जातो, जिन बच्चों को नहीं पता बताते चले कि बिहार में गोर जो है पैर को कहा जाता है। और ये बात कर्पूरी ठाकुर के मन में कुछ इस कदर चुभी कि आने वाले वक्त में शायद ही कोई जानता था उस दौर में कि यह व्यक्ति भारत के इतिहास को, बिहार के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो जी हाँ दोस्तों, यहां से फैक्चुअल कुछ पॉइंट्स हैं, इन फैक्चुअल पॉइंट्स से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर की पहली पार्टी प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है, आने वाले वक्त में यह जनता पार्टी में जुड़ जाते हैं। पहली बार इन्होंने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए का चुनाव ताजपुर से 1952 में लड़ा था सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, और वह जीत जाते, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी यानी कि प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है। इनसे रिलेटेड कुछ बातें जो आप सबके लिए पता होनी चाहिए, इससे पहले कि मैं आपको बताता चलूं कि यह पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में भी कार्यरत होते। इसके बाद यह बिहार के पहले नॉन कांग्रेसी सोशलिस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में पदभार संभालते हैं। अमूमन ऐसे महामाया प्रसाद जो है वह जाने जाते हैं पहले गैर कांग्रेसी के रूप में, लेकिन यह पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इनके दौरान मुंगेरीलाल कमीशन आया था, बहुत ही फेमस कमीशन, जो कि बात कर रहा था सोशल जस्टिस की, जो कि बात कर रहा था आरक्षण की बैकवर्ड क्लास के लिए बिहार में, पिछड़े वर्गों के लिए। और आज के डेट में जो महिला का आरक्षण हमें देखने को मिलता है या फिर जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता है, यह भी इस कमीशन के आधार पर ही उस समय में दिया गया था, जिसके तहत यह बताते हैं कि 26% आरक्षण ओबीसी ईबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो अपर कास्ट के हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।
जिस कमीशन के तहत 12% ओबीसी को, 8% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, 8% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी में भी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको, और 3% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही गई थी मुंगेरीलाल कमीशन में, जो कि बहुत ही फेमस कमीशन इनके दौरान आया था। इनके समय में बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म भी हुए यानी कि शैक्षणिक बदलाव भी हुए। ये पहले शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजी की बाध्यता, क्योंकि होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनमें टैलेंट कूट कूट तक भरा हुआ था, लेकिन अंग्रेजी भाषा पे पकड़ नहीं होने के कारण वह दसवीं परीक्षा को पास नहीं कर पाते थे। और वो कहते हैं ना, हमारा समाज एक रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपके पास क्या है वो किसी को मतलब नहीं, आप क्या समाज को दे रहे हैं, आप समाज में आपके पास कितना डिग्री है, आपसे एक समाज के पास कितनी नौकरी है, उससे हम पैमाना बनाते थे, तो उसका टैलेंट कहीं ना कहीं मर जाता था। तो वो शख्स थे जिन्होंने इस समस्या को पहचाना और इंग्लिश को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने हटा दिया। साथ ही साथ उस दौरान 8,000 इंजीनियर्स को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में वर्क भी दिए, शराब पे इन्होंने शराबबंदी भी करी, और हिंदी भाषा को इन्होंने सारे के सारे विभागों में एक कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में भी स्थापित करने वाले बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर। कुछ फेमस स्लोगन जो इनसे जुड़े हुए हैं, जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ यू वॉन्ट राइट लर्न टू फाइट, यानी कि कहते हैं यह कुछ फेमस स्लोगन जो इनसे जुड़ा हुआ है कि अगर आपको आपके अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना आना चाहिए। If you study, you will improve. अगर आप अध्ययन करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। As long as there remains a hungry person, there will be a storm on earth. यानी कि जब तक इस धरती पे कोई भी भूखा इंसान रहेगा, आखिरी भूखा इंसान भी रहेगा, तब तक इस धरती पे तूफान नहीं थमेगा। The one who earned will eat, the one who looted will go. यानी कि ऐसा इंसान जो अर्न कर रहा है, कमा रहा है, वो खाएगा, और जो लूट रहा है वो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो नेता हैं, ये सब इनके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट है। और यह भी स्टेटमेंट कहते हैं कि 60 out of 100 यानी कि 60 में से आर बैकवर्ड, ये पिछड़े हुए हैं और उनको उनका हक चाहिए। और सोशल जस्टिस का नारा बुलंद करने वाले कर्पूरी ठाकुर, जहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे प्रश्न बनने के आसार हो जाते हैं। इसके अलावा आप सबको बताते चले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके एग्जाम में एक नंबर यहां से पक्का हो जाएगा, लिख के ले लीजिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे, अब देखिए अभी चल रहा है दिवाली ऑफर, ऐसे बच्चे जो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग खुद से पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, तो आप लोग यहां से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं, अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप यहां से वीडियो को स्किप कर दीजिए। और ऐसे बच्चे जिनको एक गाइडेंस की जरूरत है, एक मेंटरशिप की जरूरत है, वो बच्चे यहां से वीडियो को देखेंगे। बाद में कोई लफड़ा नहीं मांगता अपन को कि हां सर लास्ट में आ गए आप कोर्स हमें बता रहे हैं, नहीं। ऐसे बच्चे जो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अभी भी बोलूंगा सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत हो रही है, किताबें पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा है, देन संकल्प 3.0 कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में क्या-क्या खास बात है? इस कोर्स में हम एनसीईआरटी को एमसीक्यू के फॉर्म में करा देते हैं, जो नए आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इन कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यू के फॉर्म में करा देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी के, जो इंपॉर्टेंट बिहार रिलेटेड है, उनको हम करा देंगे। साथ ही साथ पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स हम इसमें करा देते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, एग्जाम से पहले आपके जो बल्की नोट्स होते हैं, उन बल्की नोट्स के बजाय आपको फास्ट रिवीजन नोट्स भी हम इस कोर्स में मुहैया कराते हैं। अभी चल रहा है दिवाली ऑफर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें डे वाइज डेट वाइज आपके कोर्स के शेड्यूल है, यानी कि आपके समक्ष जो उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करना है, संकल्प 3.0 में जाना है, वहां पे आप फ्री कंटेंट में जाइएगा, फ्री कंटेंट में आपको ये शेड्यूल नजर आ जाएगा। इस शेड्यूल को आप देखिएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इस कोर्स में कैसे डे वाइज और डेट वाइज सारे के सारे टॉपिक्स को कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि डे वाइज डेट वाइज जो शेड्यूल है ये फ्री में आपको मिल जाएगा। और ये कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, अमूमन 1,000 रुपए इसका दाम रहता है, लेकिन अभी आपको यह मिल जाएगा 700 रुपीज में, 700 रुपए में संकल्प 3.0 कोर्स। तो जाइए खुद को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, और बिहार की यह धरती जहां से कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग निकल रहे हैं, आप भी तो इसी राज्य से हैं, आपके अंदर भी वो जज्बा है, वो हुनर है, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग वो हनुमान है जिसको उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है। तो आइए मिलते हैं, कर करके तैयारी करते हैं, और बता देते हैं इस दुनिया को कि आने वाले वक्त में यानी कि 13 दिसंबर को हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।